बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नत होते हैं इस भाव से कि हमारा जीवन भी समुन्नत बन सके, सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान को वर्धमान में मिलकर आज बनाएंगे, गुणायतन से परिवर्तन की प्रामाणिक अलग जगाएंगे। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में एक ऐसी अनुपम कृति जिसका नाम गुणायतन है शीघ्र निर्मीयमान है और शीघ्र निर्माण की पूर्णता को प्राप्त होने वाला है, जहां आकर आप जान पाएंगे जीवन का मर्म, धार पाएंगे अपने जीवन में धर्म, छोड़ पाएंगे अपने कुकर्म और फलतः पाएंगे शिव शर्म। अतः महावीर जयंती के एवं पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस की इस पूर्व संध्या पे मैं आप सभी को आह्वान देता हूँ कि जिन संस्कृति के इस महत्वाकांक्षी एवं महनीय अभियान में जिससे समाज का जन जन का गुणात्मक विकास होगा, परिवर्तन होगा एक समाज में, उससे जुड़कर अपने जीवन को धन्य करें। आज के सत्र को यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती श्री कोमल जी जैन महुआ से, और आपके बाद तैयार रहेंगी शैली जी जैन, शुभ्रा जी जैन दमोह से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज सरी, आपके शंका समाधान का विचार क्रांतिकारी कैसे विचार आया, और ये इतना विचार आने के बाद समाज में इतनी जागरूकता कैसे आई, ये सब आप देख रही है वैसे आई। चलो आगे। हाँ, शैली जी जैन, शुभ्रा जी जैन दमोह से अपना प्रश्न पूछेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री चौधरी सुनील जी जैन, श्रीमती अनीता जी जैन पटेरा कुंडलपुर से। हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज वंदना पर जाते समय एक विचार आया कि जब हम किसी नए सफर की शुरुआत करते हैं तो हमेशा उसमें जो आने वाली कठिनाइयां हैं उसका एहसास हमें पहले होता है, और जो लक्ष्य पहुंचने के बाद की खुशी है उसका एहसास बाद में होता है। जैसे कि अगर हम धर्मशाला से निकलें तो सबसे पहले ये आता है मन में कि बहुत दूर है, बहुत कठिन है, चाहे कितनी बार भी वंदना कर ली हो, और जो ऊपर पहुँचने की खुशी होती है वो बाद में एहसास आता है। तो क्या किसी लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व कठिनाई का एहसास सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको कैसे बदलें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के पूर्व जो कठिनाइयों का एहसास होता है, ये एक प्रकार की दुर्बलता है। मेरी राय में लक्ष्य की प्राप्ति के समय, लक्ष्य की पूर्ति के लिए निकलने वालों के मन में कठिनाइयों को का एहसास होने की जगह लक्ष्य का आभास होना चाहिए। जैसे एक अनुभव की बात कह रहा हूं, कोई बहुत प्यासा हो, कंठ सूख रहा हो, पता लगा आगे नदी है और एक दो मील दूर है, जैसे ही नदी की ओर उन्मुख होते हैं, नदी की ठंडी ठंडी हवा आती है, पैरों की गति बढ़ती है या घटती है, हालत थक कर चूर है, लेकिन अब रास्ते की कठिनाई नहीं दिख रही है, नदी का निर्मल जल दिख रहा है। जब निर्मल जल दिखेगा तो रास्ते की कठिनाई नहीं। लेकिन मान लो ऐसे सफर में हो, कहा तो जाए कि आगे नदी है,
पर रास्ता देखा जाना हुआ नहीं है और चले जा रहे पता नहीं, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, नदी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो मनुष्य को दुविधाग्रस्त बनाते हैं। तो हमारे लिए कठिनाइयों का एहसास करने की जगह लक्ष्य पर विश्वास रखकर उसका आभास करना चाहिए। वो आभास हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक और बात कह रहा हूं थोड़ा दूसरे तरीके से, कभी किसी भी यात्रा के लिए निकले तो पहले उसकी एक मानसिक यात्रा कर ले। ये एक मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी है। कोई भी कार्य कर लो तो एक मानसिक यात्रा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक बहुत बड़े विचारक हुए, उनका एक आलेख मैंने बहुत पहले पढ़ा था, डबल जलसा। क्या था टाइटल? डबल जलसा। प्रसंग ये था कि वे एक शादी में गए, बराती थे, तो पहले तो बराती एक ही कमरे में बहुत सारे ठहरते थे, तो उनके साथ उनके एक मित्र थे। अब द्वाराचार के समय कपड़ा पहनना, थोड़ा सा ब्रीफकेस खोला उंगली डाली और फट से निकाल लिया, कपड़ा बदल दिया, फेरे के समय पहनना उंगली डाली तो कर लिया, रिसेप्शन के समय पकड़ना, बस उनको उंगली डालना और निकालना। तो उनने पूछा कि ये आप ये फटाफट कैसे कर लेते हो? बोले ऐसा है कि मैं कोई काम एक बार नहीं करता, काम करने से पहले एक बार पहले कर लेता हूं मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से कर लेता मैं घर से जब यात्रा के लिए चला तब मन में तय किया कब कौन सा कपड़ा पहनना है क्या चीज करना, उसको उसी क्रम से सिलसिलेवार रख दिया। तो मैं निकालता हूं तो मेरी उंगली सीधे वहां जाती है और निकल आती। तो उन्होंने कहा मैं एक जलसा नहीं करता, डबल जलसा करता। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी जो आज के संदर्भ में उपयोगी है। किसी भी कार्य को करना शुरू करो तो पहले उसके विषय में मानसिक रूप से सोचो, पूरी जर्नी कर डालो, उस समय उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का आभास करो और उस कठिनाई को सामने रखकर उसका निवारण भी तत्क्षण देख डालो, ताकि कभी किसी यात्रा पर निकलो और अचानक कठिनाई आए तो आपको सोचना न पड़े। समझ गए? तो यात्रा करने से पहले एक यात्रा करो, पुरानी यात्राओं को ताजी करो, रास्ते में क्या क्या समस्याएं आ सकती है वो सब अपने जेब में रखो, तो फिर कठिनाई का तो सवाल नहीं, उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा। उपस्थित होंगे श्रीमान चौधरी सुनील जी जैन, श्रीमती अनिता जी जैन पटेरा कुंडलपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी जैन मेरठ से। सुनील जैन नहीं है, कल्पना जैन। कल्पना जी जैन मेरठ से अपना प्रश्न रखेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अपनी सूचनाओं के साथ, कल के कार्यक्रम की सूचनाओं के साथ श्रीमान नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन, और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान एनसी जैन जी कार्याध्यक्ष गुणायतन। एक साथ नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज श्री। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे रामनवमी जन्माष्टमी जैसे अनेक फेस्टिवल्स होते हैं और उसमें वो मुझे इनवाइट करते हैं प्रसाद आदि ग्रहण करने के लिए, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि देखो, मेरा एक इस संदर्भ में इतना ही कहना है, किसी भी सोसाइटी में आप रहो सबके साथ उठना बैठना होता है, अपना एक लोक व्यवहार बनाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक प्रसाद का सवाल है वहाँ एक ही बात कहो विनम्रता के साथ कि हमारे यहाँ भगवान के चरणों में अर्पण किया जाता है, हम भगवान के पास कुछ लेते नहीं इसलिए क्षमा करें, हम चढ़ाते हैं प्रसाद नहीं लेते, ये हमारी मान्यता है। एकदम विनम्रता से आप कह दो, न उनको बुरा लगेगा न कुछ होगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिए नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान एनसी जैन जी, एनएल जैन जी कोषाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष गुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी निर्मल कुमार जी जैन विदिशा से।
बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की। जैसा आप सबको विदित है कि कल 24वें तीर्थंकर वर्तमान शास्त्र नायक भगवान महावीर की जयंती पूरा देश विदेश सब लोग मना रहे हैं, और उसी पावन अवसर पर भगवान महावीर के जन्म कल्याण के साथ साथ हम मुनि श्री का जो नया जन्म हुआ था, जो नया दीक्षा दिवस जो दीक्षा ली थी 36 साल पहले, तो हम सब लोग मिलके मुनि श्री का कल दीक्षा दिवस दोपहर में मनाएंगे। तो कल कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा और सूचना इस प्रकार मैं आपको देना चाहता हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ कि समय पे पधार कर इसमें सम्मिलित हों और अपना मुनि श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल प्रातः 5:10 पे मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, और 6 बजे तक अभिषेक शांतारा पूरी होके 6:30 बजे तक देवशास्त्र गुरु और भगवान महावीर की पूजन समाप्त हो जाएगी, और फिर विधान प्रारंभ होके 8:20 तक विधान समाप्त कर दिया जाएगा। फिर मुनि श्री का कल प्रवचन होगा जो 9:20 तक चलेगा। उसके बाद मुनि श्री 11 बजे एक यहाँ जैन समाज का प्रोग्राम है मधुबन में, उसमें शरीक होने और उसमें प्रवचन सामने आनिंदा भाषण, तो उसमें जाएंगे। और दोपहर में 1:45 हमने 1:30 बजे का टाइम दिया, 1:45 बजे इसी परिसर में इसी प्रवचन हॉल में महावीर जयंती का और मुनि श्री के जो दीक्षा दिवस है 36वां दीक्षा दिवस है उसका प्रोग्राम हम सब लोग मनाएंगे। मुनि श्री ने बहुत मना किया कि दीक्षा दिवस क्या आप लोगों का, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन हमने बड़ी विनय की मुनि श्री से, तो आप सब लोगों से विनय है सब अपने अपने भाव रखेंगे। उसमें मुनि श्री का उद्बोधन हमें 4 बजे के आसपास, 4 बजे से 4:45 बजे तक, 4:10 से 5 बजे तक हमें मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इसमें भाग लेके अपना धर्म लाभ उठाएं और मुनि श्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। और मुनि श्री कुछ न कुछ तो कल सूत्र हमें जरूर देंगे कि कैसे उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त करी और कैसे आप लोगों के लिए क्या आगे का आदेश है, तो हमें जरूर कुछ न कुछ हमें कल सीखने को मिलेगा, ऐसी हम आवश्यक आशा करते हैं। हो गया, देखते हैं कल कौन कौन आता है दीक्षा लेने वाले। चलिए सवाल कीजिए। मुनि श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मोल टाउन जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। मुनि श्री जब आज नगरों में गांवों से पलायन नगरों की तरफ हो रहा है, नई नई कॉलोनियाँ बन रही है, गगनचुंबी इमारतें बन रही है, तो आजकल कई जगह नया, पहले भी होते थे लेकिन गृह चैतालय बनने लगे हैं। अब गृह चैतालय का क्या स्वरूप है, कहाँ तक यह ठीक है, और ठीक है तो उसमें अंदर कैसे व्यवस्था करी जाए, कैसे शुद्धता रखी जाए। पुराने जमाने भी होते थे, मैंने देखा अभी उदयपुर में जो हमारे केएल गोदा साहब थे उनके तीनों भाइयों के परिवार में तीनों कोठियों में ऊपर छत पे गृह चैतालय बना, आज भी बना हुआ है, आज भी वो पूजा अर्चना वहाँ करते हैं, लेकिन प्रांगण अलग बना रखा है। तो वैसे भी दिल्ली में भी कई लोगों ने बना रखा है, साउथ में तो करीब करीब सभी घरों में गृह चैतालय है। संक्षेप में समझा जा सकता है, आपके सवाल का सार ये है कि गृह चैतालय का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये ठीक भी है या नहीं। शास्त्रों में गृह चैतालय का विधान है, जिन्हें दर्शन सुलभ नहीं हो पा रहे हैं उन्हें गृह चैतालय का प्रयोग करना चाहिए, और गृह चैतालय के लिए ऐसा बताया है कि 11 अंगुल से छोटी प्रतिमाएं होनी चाहिए, 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। और अगर घर में चैतालय बना रहे उसका कक्ष अलग होना चाहिए, उसका आवागमन का रास्ता भी अलग होना चाहिए ताकि शुद्धि और पवित्रता बनी रहे। इस मर्यादा की रक्षा करते हुए अगर कोई चैतालय बनाते हैं जिन्हें दर्शन की सुलभता नहीं है उन्हें दर्शन का लाभ मिलता है तो अच्छी बात। उपस्थित होंगे श्रीमान निर्मल कुमार जी जैन विदिशा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अनुभव जी सराफ, रवि जी मड़वैया भोपाल एवं श्री अमित जी जैन दिल्ली से अपने संयुक्त प्रश्न के लिए। मुनि श्री को मोदी परिवार विदिशा की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। सुनील मैम साहब का पिताजी हूँ मैं। मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्रियात्मक धर्म और गुणात्मक धर्म है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? क्रियात्मक धर्म दिखता है और गुणात्मक धर्म लोगों को रास्ता दिखाता है। जो भीतर घटे वो गुणात्मक है, जो बाहर दिखे वो क्रियात्मक है।
जिनमें गुणात्मकता होगी उनकी क्रियात्मकता जरूर होगी, लेकिन जिनमें क्रियात्मकता हो उनमें गुणात्मकता हो भी ना भी हो। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्रियात्मक रूप के साथ गुणात्मक रूप को देखें। गुणात्मकता धर्म का अंतरंग तत्व है, क्रिया तो उसके ऊपर का आवरण है। अंतरंग के तत्व को खोकर केवल बाह्य आवरण में उलझे रहने वाले लोग धर्म का सच्चा लाभ नहीं ले सकते। श्रीमान अनुभव जी सराव, श्री रवि मड़वैया एवं श्री अमित जी जैन दिल्ली से उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदर गुरुवर, पूरे परिवार की ओर से, पूरी भोपाल समाज की ओर से गुरुवर, और माँ गुरुवर रेगुलर आपके प्रोग्राम में शाम रहती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो यहीं से आप उनको आशीर्वाद देकर उनका अनुग्रहित करें गुरुवर। और मन में एक सवाल गुरुवर बारंबार आता है और आज भी चर्चाओं में हुआ, हम तीनों आए गुरुवर, हम लोग अपने क्षेत्र में मजबूत बनना चाहते हैं, हम जितने ग्रुप में हैं और व्यवहारिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में गुरुवर हमें लाभ दिखता है, या हम उसको ये कह सकते हैं हमें फेवर दिखता है, तो अपने कोशिश करते हैं कि मजबूत रहे, मगर इन केस अगर हम उसको तोलते हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो हम थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं जो हमें बाद में गुरुवर ऐसा लगता है कि हमने गलत किया, मगर उसके सामने हमें जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कर लो ऐसा, हम मजबूत भी रहते हैं गुरुवर वहाँ पे हमारा मन, क्योंकि वह प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आती है कुछ ऐसा लगता है तो हम भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में गुरुवर हम अपने आप को किस दिशा में डालें, हम उस जहाँ जाएँ या रुक रहें? जो व्यक्ति छोटे हितों की पूर्ति में बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। हमेशा अपनी दृष्टि बड़े लक्ष्य के प्रति रखो, छोटे हितों को मत देखो, और हमेशा अपनी समीक्षा करते जाओ। एक एक करके हजार सीढ़ी चढ़ने के लिए संकल्पित हो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी न करो, सारी दुविधाएं दूर हो जाए। जी गुरुवर नमस्ते। श्रीमान तीन को बुलाया है, एक को पूछना था। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार के ऊपर ओर से बारंबार नमोस्तु। अब नया प्रश्न कोई का मत लो महाराज जी, मेरा व्यवहारिक एक सवाल है जो जिसमें मैं वाक्य व्यक्ति और व्यक्तित्व तीनों की बात कर रहा हूँ, इसमें वाक्य व्यक्ति और व्यक्तित्व, वाक्य हाँ वाक्य कथन मतलब व्यक्ति और व्यक्तित्व, वाक्य में मैं जो कह रहा हूं और सामने वाला कह रहा है, उनमें बोलने में हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति हम, मैं एक व्यक्तित्व हूं, व्यक्ति हूं और सामने वाला व्यक्ति है, उसमें सामने को कैसे पहचाने और हम बोल रहे हैं सामने वाले को कैसे व्यक्ति, अपने व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करें, व्यक्तित्व जो है सामने वाले को कैसे परख पाएं जिससे हम बात नहीं कर रहे लेकिन उसके व्यक्तित्व से हमें ना कितना प्रभावित हों, और हम अपने व्यक्तित्व से दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकें? मुझे लगता है पहले तुम्हारे प्रश्न को ही सुलझाना पड़ेगा। जी प्रश्न को जो भटका हुआ दिख रहा है, व्यक्ति और व्यक्तित्व अलग चीज है पर उसके साथ वाक्य को जो जोड़ा है वो कुछ सुसंगत नहीं दिखता। जी मैं चाहता हूँ शायद तुम ऐसा कहना भी चाह रहे होगे, बोल नहीं पाए, प्रश्न को अगर इस तरीके से रखा जाए तो उससे ज़्यादा कुछ सार प्रकट होगा। वो ऐसा रखा जा सकता है कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे, कैसा बनाएं कि हमारे वचनों से हर व्यक्ति को आनंद आए। जी महाराज जी यही पूछना चाह रहे शायद, ये अपने संदर्भ में और सामने वाले के संदर्भ में अलग, और किसी के व्यक्तित्व को हम उसके वचनों से कैसे आके। जी दो सवाल निकल गया। जी तो देखो, अपना व्यक्तित्व कैसे बनाए, हमारे जीवन में चार बातें होनी चाहिए। पहली बात, वचनों में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता, सोच में सकारात्मकता और प्रवृत्ति में संतुलन। मधुरता, विनम्रता, सकारात्मकता और संतुलन,
संयम अगर जीवन में आ गया तो हमारा व्यक्तित्व तो निखरेगा जी, और उसकी छाप हर किसी पर पड़ेगी। हम जिनके भी बीच रहेंगे उनके हृदय में हमारे प्रति एक अमिट छाप बनेगी कि नहीं ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है। मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जिसका जीवन, जिसकी वाणी में मधुरता हो, व्यवहार अत्यंत विनम्र हो, जो हर बात को सकारात्मकता से देखता और करता हो, और जिसका जीवन सधा हुआ हो जी, उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में क्या धारणा होगी? बहुत श्रद्धा होगी। वो व्यक्ति कभी कुछ अनर्गल बोल सकेगा? नहीं। वो व्यक्ति कभी कोई गलत सलाह दे सकेगा? नहीं। उस व्यक्ति से तुम्हें कभी कोई आघात पहुंचेगा? नहीं महाराज। तो वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में है ना जी। तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा? जब वो अच्छे गुणों को अपनाएगा। तो अपने भीतर का व्यक्तित्व ऐसा बना लो जी, तुम्हारे सामने जो भी व्यक्ति होगा वो तुम्हारा कायल बनेगा जी महाराज जी। दूसरी बात, हो सकता है कई ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है, दूसरे शब्दों में कहूँ उज्जड स्वभाव वाला कोई आदमी हो, उससे पाला पड़ जाए जी। तो क्या करो? सकारात्मकता रखो, कुछ को इग्नोर करो, कुछ को बर्दाश्त करो, आगे बढ़ जाओ, उन सब बातों पर ध्यान मत दो जी। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना है, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल जी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। चलिए उपस्थित होंगे श्रीमान अमित भी पूछेगा, अमित भी पूछेगा, चलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, जैन परिवार आराम वालों की तरफ से आपको बारंबार नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब आप आज पूजा में पाठ में बताया गया था विधान में कि इष्ट योग और अनिष्ट योग में जब सब कर्मों का ही खेल है, तो हमें अपने गुरुओं से, अपने भगवान से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? यह उचित भी होगी अपेक्षा रखना या अनुचित है? देखो बिल्कुल, मैं एक बात कहता हूँ, प्रायः आप लोग गुरु के पास जाते हो और भगवान के पास जाते हो तो अपना रोना लेके जाते हो। तुम उनसे जो ले सकते हो उस तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं, सब संसार मांगने जाते हैं। अरे उनसे तो रास्ता मार्गदर्शन लो, वस्तु के स्वरूप को जाने लोगे जीवन आनंद में आएगा। आज मैंने कहा था कि इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग तो भगवान भी नहीं रोक सकते, पर भगवान का भक्त होगा वो उसके उपद्रव से बच जाएगा, अर्थात उसके आतंक से बच जाएगा, परेशान नहीं होगा। जीवन और जीवन की व्यवस्था को जानो। गुरुओं से तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके उपदेशों को श्रद्धा से सुन लो, अपने आप रास्ता दिखेगा। तुम लोग सुनते कम हो, सुनाते ज्यादा, मामला गड़बड़ हो जाता है, और उस गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप बहुत सारी विसंगतियां जीवन में आती। पक्के गुरु भक्त बनो, जब तत्व ज्ञान का स्पर्श होगा तो किसी भी प्रकार के थोथे कर्म कांडों में नहीं उलझोगे। लोग आजकल उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। कई बार लोग आते हैं, मैं सबसे कहता हूं मैं तुम्हें झुनझुना पकड़ाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें झुनझुना नहीं पकड़ाना चाहता, मैं तुम्हारी भूख मिटाना चाहता। बच्चा रो रहा है, झुनझुना पकड़ा दो, थोड़ी देर के लिए बच्चा शांत होता है, लेकिन कितनी देर? सही माँ कौन है जो रोते बिलखते बच्चे को झुनझुना पकड़ा के संतुष्ट करे, या उसको इतना तृप्त कर दे कि कभी उसे कुछ जरूरत ही ना पड़े? कौन है? सदगुरु उस माँ की भांति है जो वस्तु स्वरूप का सही परिज्ञान कराकर, जीवन की वास्तविकता का बोध कराकर उसे अंदर से तृप्त कर देती, उसे समझ में आने लगता है, वो रास्ता देख लेता है और बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, बिल्कुल झुंझुने के चक्कर में पड़ना मत, समझ गए? आजकल गुरुदेव ये आगे बढ़ो, पक्का बढ़ो, पक्का बनो, सच्चा बनो, जीवन के झंझावातों में अपनी निष्ठा के दीप को ज्योतित बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे कुछ भी हो, मुझे डगमगाना नहीं है,
बढ़ते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ना है, ये लक्ष्य रख। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी सरावगी कोलकाता से। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सवाल तो बहुत बार आपके मन से आया है, लेकिन अभी लोगों के दिमाग में बैठा नहीं है। अभी हम लोग मंदिर में जो द्रव्य के लिए चावल चढ़ाते हैं, तो इस बार मैंने वर्धमान से कमल जी पाटनी के यहाँ से चावल मंगवाया हजारीबाग, और वो मंदिर में अभी यूज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे हमारे जो पुजारी हैं उनको दिक्कत है कि इसमें बहुत टूट हो जाती है, ये चावल बेकार है, पहले जो आता था वो अच्छा है, तो कृपया मार्गदर्शन दें कि सबकी सद्बुद्धि ठीक हो। देखो, चावल के संदर्भ में बहुत भ्रम हो गया। मैं बार बार कहता हूँ, शुद्ध चावल ही भगवान के चरणों में चढ़ाओ। आजकल प्री स्टीम चावल बनने लगा है, जिसे पहले भाप से भफाया जाता है, फिर उसे बॉयलर में डाल करके, भाप से भफा करके, फिर प्रोसेस करके चावल निकाला जाता है और पॉलिश हो जाता है। इसे पुराने ज़माने में उष्णा चावल कहते थे। ये चावल आपको अखंड दिखता है, लंबा लंबा दाना दिखता है, और आप लोगों को कहा जाता अखंड तंदुल चढ़ा। तो अखंड तंदुल नहीं है, अशुद्ध तंदुल है, क्योंकि वो प्री स्टीम्ड होने से सकरा हो गया। अरवा चावल होता है दूसरा, जो सीधे धान से चावल बनता है हॉलर के माध्यम से। दो प्रोसेस है, एक बाय सेलर और एक बाय हॉलर। सेलर में जो निकलता है वो प्री स्टीम्ड होता है, हॉलर में जो जाता है वो ऐसे निकलता है। चूंकि अरवा चावल खाने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए ज़्यादातर राइस मिलों में उष्णा चावल ही बनता है। अब पहले उष्णा और अरवा के रंग में बड़ा अंतर दिखता था, उष्णा थोड़ा मोटा भी होता था, लेकिन आजकल हाईटेक व्यवस्था हो गई और पॉलिश होने के कारण भेद ऊपर से दिखता नहीं। आप लोग वो चढ़ाते हैं, वो चढ़ाने योग्य कतई नहीं है। छोटे दाने के चावल को आप टूटा मत मानो, असली चावल तो वही है जिसको साली तंदूर बोलते हैं, छोटा छोटा। वो चावल छोटा है, खोटा नहीं है, वो टूटता भी नहीं। और धोते समय थोड़ी सावधानी रखो, पर मैं तो ये कह रहा हूँ, टूटा चढ़ा लेना, पर अशुद्ध मत चढ़ाना। न तो आहार में लेना चाहिए, न भगवान को चढ़ाने के काम में लेना चाहिए। पूजा पाठों में आज भी वैष्णव परंपरा में भी अरवा चावल का ही प्रयोग होता है, उष्णा चावल का नहीं। इसलिए अरवा चावल ही चढ़ाना चाहिए। हर जगह दिक्कत आती थी, अब यहाँ आप समाधान मिला, कमल भाई कमल पाटनी ने वर्धमान से उपलब्ध करा रहे, यहाँ तो वही चल रहा है। मैं सारे देश के लोगों से कहना चाहूँगा, अभी भी मैं तो देखता हूँ लोग मेरे चरणों में जब चढ़ाते हैं तो देखता हूँ उष्णा चावल चढ़ा रहे। ये आप एक दोष कर रहे हैं। शुद्धता रखिए, पवित्रता बनाए रखिए। प्री स्टीम्ड है यानी वो अनछने जल से उबल चुका है, वह सकरा हो गया, वो सेवन करने योग्य नहीं, तो चढ़ाने योग्य कैसे होगा। इसलिए इस पर सबको ध्यान रखना ही चाहिए। उपस्थित होंगे श्रीमान विजय जी सरावगी कोलकाता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग से। अज्ञान तिमिर को दूर करे, ये ज्ञान की लो जलाते हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम नित्यदिन शीश झुकाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा, मेरे परिवार और कलकत्ता समाज की ओर से बारम्बार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं मोक्ष परमानंद है, मोक्ष के बाद शरीर ही नहीं रहता, तो फिर आनंद कैसे और परमानंद कैसे? ये बता, आनंद शरीर में होता है कि आत्मा में? आत्मा में। हाँ, महसूस तो गुरुदेव शरीर से ही करते आनंद को, आत्मा किसने देखी है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ किस चीज में आनंद आता है तुम्हें। गुरुदेव अभी तो कमाई करने में बहुत आनंद होता है। तो ये जो कमाई करने में आनंद, हकीकत बोला, उम्र भी यही है, कमाई करने में जो आनंद आता है
तो शरीर में कहीं गुदगुदी होती है, कहीं शरीर में आराम मिलता है, आनंद कहाँ आ रहा है? मन में आ रहा है गुरुदेव, दिमाग से, मन में ना। फिर से पूछ रहा हूँ, आनंद किस में आ रहा है? मन में। कब आता है? जब जो मन चाहा वो हो जाने से। जब तुम्हें पता लगता है कि हमने इतना कमाया था। यस। हाँ, अभी तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन हो कि तुम्हारी अमुक डील में तुम्हें 5 करोड़ का फायदा हुआ, बोलो उछलोगे कि नहीं? ये हाँ गुरुदेव, बिल्कुल खुशी से उछल जाओगे। हाँ गुरुदेव, है ना, सोचोगे कि 1-2 करोड़ यहीं दे दें? आनंद आएगा। हाँ गुरुदेव, है ना। मान लो तुम्हारे पास सूचना मिली कि 5 करोड़ का फायदा हुआ, निश्चित तुम्हें आनंद आएगा। कब? जब ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कानों में पहुंचेगी तब। लेकिन थोड़ी देर बाद बताई गई, भैया ये खबर झूठी थी, ये फायदा अपने को नहीं हुआ, किसी दूसरे को हुआ। तब दुख नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा, आनंद तो नहीं आएगा? आनंद तो नहीं है, नहीं आएगा। तो आनंद किससे हुआ, कमाई से आया कि कमाई की सूचना से हुआ? सूचना से आया। ये सूचना क्या है, ज्ञान है या शरीर है या मन है? ये तो ज्ञान से ही सूचना मिली। तो ज्ञान ने आनंद दिया कि मन ने आनंद दिया या शरीर ने आनंद दिया? ज्ञान ने दिया। तो आनंद का मूल क्या है? ज्ञान। बोलो, ज्ञान। ज्ञान कहाँ है? आत्मा। तो मूल आनंद कहाँ है? आत्मा। मोक्ष में क्या है? नमस्ते। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान अनिल जी, संगीता जी सेठी, हजारीबाग से। और आपकी बात बंधुओं मैं बता दूं, और आप लोगों से मैं अभिवादन की अपेक्षा रखूंगा। यह वह परिवार है जहां पूज्य गुरुदेव ने अपना बचपन बिताया था। यह पूज्य गुरुदेव के भैया भाभी हैं। सभी करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान विनय जी जैन, जड़ी बूटी, गुणाटन ट्रस्टी, ललितपुर से। नमस्ते महाराज जी। जड़ी बूटी महाराज जी, अपनी जीत और दूसरे की हार में तो सब आनंदित होते हैं, लेकिन दूसरे की जीत में आनंदित कैसे हों? अपनी जीत और दूसरों की हार में सभी आनंदित होते हैं, पर दूसरों की जीत और अपनी हार में हम आनंदित कैसे हों? बड़े आसानी से हो सकते हैं, यदि हम अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर लें। सोच को थोड़ा बड़ा कर लें, अगर हमारी सोच बड़ी हो जाए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक घटना सुनाई थी, आज दोहराऊंगा नहीं। वो एथलीट्स ने एक प्रतियोगिता जीती, और जीती हुई प्रतियोगिता हार कर कैसे आगे बढ़े, उसको ध्यान रखना। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान विनय जी जैन, जड़ी बूटी, गुणाटन ट्रस्टी, ललितपुर से। और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान पार्षद पंकज जी जैन, ललितपुर से। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक तो कई जगह से हमारे माध्यम से आपको नमोस्तु अनुवेद किया गया है, तो संक्षिप्त में मैं बाबा बोल देता हूँ। अहमदाबाद से पारस कुमार और हमारी बड़ी दी ममता जी ने भेजा है, डॉक्टर राजेश जी एन बरसा जैन ने भेजा है, और भोपाल से आर के जैन और ज्योति जैन ने, और ललितपुर से हमारे बड़े भाई हमारे प्रेरणा स्रोत। तो धन्यवाद धन्यवाद बड़े भाई मनोज को आर्क ने भी आपको नमोस्तु अनुवेदित किया है। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, अभी 2 दिन पहले विश्व महिला सशक्तिकरण दिवस भी था, तो ये बात यहाँ से आई है कि अभी ललितपुर में जो अभिनंदन तीर्थ का पंचकल्याणक हुआ था, उसकी 24वीं में, अभिनंदन तीर्थ की 24वीं में एक मंदिर का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार को मिला था, तो उसमें लड़कियाँ का नाम प्रशस्ति में नहीं लिखा गया। तो लड़कियाँ हमारी बेटियाँ बाहर पढ़ती हैं, तो उन्हें जैसे मालूम पड़ा कि उनका नाम नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि मतलब लड़कियों का नाम नहीं दिया जाता है? ओ भैया, ये सवाल इतना लेट खड़ा क्यों हुआ? ये सवाल तो वहीं खड़ा होना था, तो शायद कुछ फायदा होता। अभी कैसे कर रहे हो? मैंने समझ गए, महाराज जी से क्यों नहीं पूछा? महाराज जी को मैंने बोला था, बोले ये परंपरा नहीं है। तो फिर ये सवाल यहाँ क्यों खड़ा कर रहे, जो गुरु आ गया वो मान लो। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान पार्षद पंकज जैन, ललितपुर से, अपनी पूरी प्रमाण सागर सेवा संघ के साथ। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजीव जी जैन, जयपुर से। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमें सब चीजों पर विश्वास होता है, भगवान पर, आप पर, भगवान की पूजा भक्ति और अर्चना पर भी,
और अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति भी हमें कुछ ऐसी बात बता दे उस सकारात्मक बात, तो हमें उस पर भी विश्वास हो जाता है। लेकिन हमें अपनी कभी अपनी स्वयं पर विश्वास नहीं होता जितना जितना दूसरों की बात पर हो जाता। तो वो विश्वास कहाँ से लाए महाराज जी? हमें सब स्वयं पर विश्वास नहीं होता जितना कि दूसरों पर। एक काम करो, गुरु और भगवान पर विश्वास है ना? हाँ महाराज जी। गुरु और भगवान पर विश्वास के साथ गुरु और भगवान की वाणी पर विश्वास करना शुरू कर दो, खुद पर भी विश्वास हो जाएगा और सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। नमस्तु। संजीव जी जैन जयपुर से आमंत्रित हैं और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, आज से 5-6 वर्ष पूर्व जब जयपुर आपका चौमासा हुआ तब सम्यक दर्शन के ऊपर आपने करीब 20-25 दिन तक बहुत अच्छा प्रवचन किया। उसके बाद भी कई बार किया लेकिन मैंने उस समय रेगुलर सुना। 8 अंग उसके जो बताए उसमें जो चौथा अंग अमूर्ता, अमूर्ता की जगह आज हम कहीं मूर्ता की तरफ तो नहीं पढ़ते चले जा रहे? हमारी स्थिति क्या हो रही है और उसका क्या अर्थ पूरा होगा या समझाएं दोबारा? देखो, तुमने जो सवाल किया वो प्रवचन का विषय। चलिए, अब फिर से प्रवचन चालू होने वाला है, कल महावीर जयंती से प्रारंभ होगा। मैं कोशिश करूँगा यहीं से इस श्रृंखला की शुरुआत करूँ। मूर्ता की वृद्धि केवल इसलिए हो रही है कि हम मूल तत्व से विमुख हो रहे हैं। जब हम मूल तत्व को पकड़ कर चले तो अच्छा होगा। और ये बात सही है, ये धार्मिक अंधविश्वास है मूर्ता, जो उपासनागत भी है और आध्यात्मिक रूप में भी है। जब तक हम तत्व ज्ञान नहीं प्रकट नहीं करते तब तक इस मूर्ता से मुक्त होना मुश्किल है। हमें तत्व ज्ञान का प्रचार करना आवश्यक। नमस्कार। प्रस्तुत होंगे श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से अपनी सूचनाओं के साथ और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी यश जी रागा डाल्टनगंज से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी अनुमति से सभी के लिए एक सूचना प्रेक्षित करना चाहूँगा। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा प्रवर्तित भावना योग के नियमित प्रयोग से अनेकों लोग लाभान्वित हुए हैं। तो आइए खुद का और समाज के व्यक्तित्व का सकारात्मक निर्माण कर भावना योग द्वारा हम करें। जी हाँ, अब आप भावना योग का शिविर आपके अपने शहर, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, संस्थान अथवा सामाजिक ग्रुप में करवा सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट www.pramansagar.net और प्रमाणिक समूह में जाकर के भावना योग के सेक्शन में उपलब्ध फॉर्म को भर सकते हैं। भावना योग की टीम इस पंजीकरण के पश्चात आपसे संपर्क करेगी और इसे क्रियान्वित करवाएगी। तो आइए घर घर भावना योग, जन जन भावना योग की इस मुहिम में आप भी सहभागी बने। धन्यवाद। चलो अगला नाम बोला। उपस्थित होंगे श्रीमान राजीव जी एस जी डागा डाल्टनगंज से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कला जी कासलीवाल, सुरेंद्र जी कासलीवाल जयपुर से। गुरु जी के चरणों में डाल्टनगंज से सुभाष कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुमार आरा, पूरे परिवार की तरफ से गुरु चरण त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का प्रश्न मेरा बेटा यश वो आपसे पूछेगा। नमोस्तु महाराज जी। तो महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जितनी भी दुख होती है उसका मेन रीज़न होता है कि हम जो दूसरों से अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हम कैसे कम कर सकें या दूसरों को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकें। नमोस्तु महाराज। ओ, देखिए बात बिल्कुल सही पकड़ी है तुमने कि हमारे मन की अपेक्षाएं ही हमें दुखी बनाती है। सवाल है अपनी अपेक्षाओं को कम कैसे कर सकते। देखिए, अपेक्षाएं तो होती है, बनी रहती है, अपेक्षाएं रखो, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बंद कर दो। अभी तुम यहाँ हो, ये अपेक्षा लेकर के तो आए ही थे कि महाराज से जाऊंगा तो मिलूंगा, 2 मिनट बात करूंगा, अभी नया नया प्लेसमेंट हुआ अपनी बात बताऊंगा, ये अपेक्षा लेकर आए थे कि नहीं आए थे? भाग्य से तुम्हें मौका भी मिल गया, और मौका ही नहीं मिले यहाँ प्रश्न करने का भी मौका मिल गया, खुशी भी हो रही होगी। बाय चांस मेरी व्यस्ततावश तुम्हें यह अवसर नहीं मिलता तो तुम्हारे मन में क्या होता? नहीं, अभी तो महाराज जी कुछ नहीं होता। अगर नहीं मिलता तो तुम क्या करते? जो
ईमानदारी से बोलो, जो तुम्हारे दिल में बीच ताकल्पना करो कि अगर तुम्हें नहीं मिलता ये मौका तो तुम क्या करते। थोड़ा तकलीफ होता महाराज जी, तकलीफ होता, पापा को बोलते क्या पापा आप इतना भी समय नहीं दिला पाए, 30 बरस से महाराज से जुड़े हो, है ना। और थोड़ा ये भी कह सकते कि महाराज अब बड़े बड़े के हो गए, हम छोटों के कौन पहचानेगा। हो सकता है तुम्हारे मन से ना भी हो, लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं मन में आती है, बहुत लोगों को आती, मुझसे तो बहुतों को शिकायत होती है। अब मैं सोचता हूं कि फिर तो मैं तुम लोगों से मिलने का ही धंधा शुरू कर दो, दिन भर तुम ही लोगों से मिलता रहूं तो खुद से कब मिलूंगा, ये भी तो विचार करो। तो ऐसी घड़ी में एक प्रतिक्रिया ये है, और एक दूसरी प्रतिक्रिया यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक हो तो कहोगे देखो आजकल महाराज की व्यस्तता बहुत बढ़ गई, पर कम से कम हमें दर्शन तो मिल गए, मैं भाग्यशाली हूं और उनका उपदेश सुन लिया, वहां से प्रेरणा मिल गई, और अंदर से खुशी होनी चाहिए। अरे जब हम जुड़े थे तब महाराज के पास 10-20 लोग ही रहते थे, आज पूरी दुनिया दीवानी हो गई, हमारी छाती फूल रही है। सोच अगर अच्छी होगी तो प्रतिक्रियाएं हमेशा सकारात्मक होगी, और जब प्रतिक्रियाएं सकारात्मक होगी तो मन कभी दुखी नहीं होगा। तो अपेक्षा मुक्त जीवन नहीं होता, पर अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करने वाला हमेशा दुखी होता है। तो चाहे कुछ भी हो अपेक्षाएं रखो, होगी बिना अपेक्षा के तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी तुम लोगों से अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है हाँ, मैं क्या अपेक्षा लेकर बैठा हूं भैया, आप लोग सुनो, पहली अपेक्षा तो यह है सुनो और थोड़ा सुधरो। अब मान लो मैं यहां आऊं और श्रोता मेरे पास नहीं हो तो मैं किसको सुनाऊंगा, कोई हो ही नहीं हा? तो तुम सुन रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मुझे दिख रही है, भाव भंगिमा दिख रही है, हाँ ये सुन रहे हैं। अब बूथ से ऐसे खड़े रहो तो मैं बोल पाऊंगा क्या, तुम्हारा प्रतिभाव ही नहीं मिलेगा तो मेरे मुख से निकलेगा क्या। तो अपेक्षा है कि आप सुनो और बातों को अपने जीवन में अपनाकर कल्याण करो, यह अपेक्षा है। पर मेरे अपेक्षा का आग्रह नहीं कि तुमको सुनना ही पड़ेगा। बहुत से लोग यहां आए हुए हैं, अभी हो सकता कैंटीन में बैठे हो, हो सकता इधर उधर घूम रहे हो, ए तुम यहां आए मेरे पास नहीं आए जी, कैसे आदमी हो, यह मुझे दुखी करेगी। नहीं भाई ठीक है, हम जो कहें वो तुम करो ही, ये आग्रह भाव दुखी बनाएगा, समझ गया। इसलिए एक लाइन में अपेक्षाएं रखो पर अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो, और जीवन में औरों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने का ईमानदार प्रयास करो, जहां तक बने किसी की उपेक्षा मत करो, जीवन का ये मंत्र बना लो। नमस्ते महाराज, इसका पूछने का तात्पर्य यही था कि हो गया आप चलो नमोस्तु गुरु जी, भाष्य मत लिखो। उपस्थित होंगी श्रीमती कलाजी कासलीवाल, सुरेंद्र जी कासलीवाल जयपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमान असित जी अर्चना जी बैनाड़ा कोलकाता से। महाराज जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयपुर से बैजी साहब, पापा साहब ने और अम्मा ने भी आपको नमोस्तु भेजा है 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हिंसा कितने प्रकार की होती है और हम गृहस्थ किस किस हिंसा से किस प्रकार बच सकते हैं जिससे हिंसा ना हो। देखिए आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा के भेद से हिंसा के 4 प्रकार हैं। और गृहस्थों के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग है, आरंभी औद्योगी और विरोधी हिंसा में यथासंभव यत्नाचार का पालन करना चाहिए, और हम यत्नाचार अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में रखें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मूल धर्म अहिंसा है, इसलिए हमारे प्रत्येक प्रवृत्ति और व्यवहार में
हिंसा कम से कमतर हो, यह प्रयास होना चाहिए। मैं इस मंच से, इनके माध्यम से सुशील जी, जिन्हें सब पापा साहब कहते हैं, आशीर्वाद देना चाहूँगा, जिनने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा भैया वृत्ति में समर्पित किया, जो सेवा की पर्याय और एक कपड़े वाले संत हैं, आज 95 वर्ष से अधिक की अवस्था में भी आज भी वे अपनी चिकित्सा से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, ये उनके कर्म वीरता का द्योतक है। ये सौभाग्य है कि ये कलाजी उनकी ही सुपुत्री और उनके ही रास्ते पर चल रही है, आगे बढ़ते जा रहे। मैं इन्हें भी उनके ही रास्ते पथानुगामी बनकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद देता हूँ। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान असित जी अर्चना जी बनाड़ा कोलकाता से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कल दो महोत्सव है, एक महावीर जन्म कल्याण महोत्सव, एक आपके दीक्षा दिवस। तो महाराज जी आज के ही दिन 36 साल पहले आपको कैसा लगा, और दूसरे दिन गुरु महाराज से आपको दीक्षा मिली और उसकी अनुभूति, और पहला आहार कर पात्र में आपको कैसा लगा, ये संस्मरण हम लोग सुनना चाहते हैं। मेरा दीक्षा हो जाने दो फिर बताऊंगा, ये सवाल कल कर लो, ठीक है। एक बात बोलूं, बाकी तो आप लोग बहुत लंबी चौड़ी रामायण रच रहे हो, मैं तो उसमें शायद साहब कितना भागीदार बनूंगा नहीं कह सकता, लेकिन कल एक काम कर लो, तुम लोगों को शंका समाधान में जितना सवाल करना है ना कर लो, जी भर करके सारे उत्तर मिल जाएंगे मुझसे संबंधित। आज नहीं, आज एक रात पहले भी तो सुनना पड़ता है ना हम लोग, कल 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 बिफोर में मजा नहीं आएगा। चलो हमारे बीच में इंदौर से इनकम टैक्स कमिश्नर श्रीमान प्रसन्न कुमार जी सिंघैया उपस्थित हैं, वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, वे सब परिवार आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान एनसी जी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन एवं श्रीमान विजय जी सराफ जी कोलकाता से। आप सभी आगंतुक सभी अब कर्ता ध्वनियों से अभिवादन अवश्य करें, सम्मानकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं। मैं चाहूंगा कि श्रीमान राजेश जी सेठी भी इनके साथ में आए, सम्मानकर्ता के रूप में सम्मिलित हों। नारी शक्ति के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा व्रतिश्राविका श्रीमती चंदकला जी पाटनी। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सुनंदा जी दिवाकर सिवनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे इंद्रजी जैन मंडला सांगानेर से। नमोस्तु 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 सशत नमन। महाराज जी मेरी शंका ये है कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, एक माँ जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से इसी कोशिश में रहती है कि मुझे अच्छा धर्म अध्ययन वगैरह करना है, अच्छे संस्कार देना है। तो बच्चे बचपन में मंदिर भी जाते हैं, पाठशाला भी जाते हैं, जैन धर्म के नियम समझते हैं, मंदिर भी जाते हैं प्रतिदिन, परंतु जो नौकरी पेशा है उनके यहाँ कोई व्यापार नहीं रहता, तो बच्चों को बहुत मेहनत से बाहर पढ़ने भेजा जाता है, और वहाँ पर जब वो जॉब करने लगते हैं धीरे धीरे समझ में आता है कि ये धर्म विहीन होते जा रहे हैं और कुतर्क करने लगते हैं, तो इसके लिए माता पिता कितने दोषी हैं और कैसे इन स्थितियों से पार पाया जा सकता है। देखिए समय का प्रभाव है और कुछ गलतियां भी, हम लोग बच्चों को धर्म रटाते हैं या सिखाते हैं, जबकि हमें
उनके हृदय में धर्म जगाना चाहिए। संस्कार को जब हम अंदर से जगाएंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और हम उनके हृदय में प्रारंभ से पाप भीरुता संवेदनशीलता को जगाएं तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी गुरुदेव, सिवनी वालों की तरफ से सचत नमन। इंद्रजी जैन मंडला सांगानेर से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी अंशिका जी जैन दिल्ली से। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि प्रथमानियोग जी के ग्रंथ में पढ़ने में आता है कि जब मुनिराज नगर में आगवानी करते हैं और राजा को पता चलता है तो वे सिंहासन से उतर कर 7 कदम बढ़कर भगवान महाराज जी को नमोस्तु करते हैं। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि वह 8 कदम 9 कदम भी तो बढ़ सकते हैं। 7 अंक पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, 7 परम स्थान का प्रतीक है। गजरथ फेरी में भी 7 फेरे लगाए जाते हैं और जब शादी होती तो भी 7 फेरे लगाए जाते हैं, इसलिए 7 कदम आगे चलते हैं। नमस्ते। उपस्थित होंगी अंशिका जी जैन दिल्ली से और आपकी बात तैयार रहेंगी लब्धि जी सेठी हजारीबाग से। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं अभी 12th क्लास में हूँ और MBBS की तैयारी कर रही हूँ, तो पढ़ाई और धर्म को साथ लेके कैसे चलूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। 12th में हो? बिल्कुल, पढ़ाई को अपना काम करो और अधर्म नहीं करना ही अपना धर्म मानो, समझ गए? आशीर्वाद। चलो, लव्दी जी सेठी अपना प्रश्न पूछेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मोनू जी जैन दिव्य एक्सप्रेस से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हमारे कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ हम चाहे कितनी भी दोस्ती बनाना मेंटेन करें पर फिर भी वो हमारे साथ वैसी दोस्ती मेंटेन नहीं करते और हमें सिर्फ यूज करते हैं, तो महाराज जी हमें वैसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी, मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम, समझ गए? ऐसे लोगों से ज़्यादा घुलों में मिलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मेंटेन रखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान मोनू जी जैन दिव्य एक्सप्रेस से और आपके बाद तैयार रहेंगी व्रति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी राज्य। महाराज जी के चरणों में त्यौहार नमोस्तु पूरे दिव्य एक्सप्रेस परिवार की ओर से तथा जबलपुर संगम कॉलोनी समाज की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कटनी से भी सवाल कर लो जल्दी से, इसी में निकल। महाराज जी, एक अच्छी बात है कि समाज में जितनी संपन्नता बढ़ रही है उसके साथ ही लोगों में धर्म का भी प्रभाव बढ़ रहा है, रुझान बढ़ रहा है, किंतु साथ में यह भी देखा जा रहा है कि जिनके पास अर्थ की अर्थ ज़्यादा है वो समाज में अपने उसमें समाज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इस दिशा में मार्गदर्शन पूरी देश भर की समाज को देखिए, ये बात सही है कि आज अर्थ की प्रधानता दिख रही है और धनी लोग पूरी समाज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने धनी लोग हैं वो अधर्मी ही हों। अगर धनी होने के साथ वो धर्मी भी हो जाए तो समाज की दिशा बदल जाएगी, और धर्मी और धनाढ्य लोग एक साथ आगे बढ़े तो बहुत आगे बढ़ेंगे। उपस्थित होंगे श्रीमान अरुण जी श्रीमाल जयपुर से। जल्दी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, स्वाध्याय के समय किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? विनय का, शुद्धि का, पवित्रता का, एकाग्रता का। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।